The isomorphous phase diagram. What is it? The isomorphous phase diagram. There is a solubility in the liquid phase as well as in solid phase. ठीक है? तो ये हम already समझ चुके थे कि हमने isomorphous phase diagram क्या समझा था, क्या होता है कि इसकी solubility liquid phase में और दोनों solid phase में दोनों में होती है. ठीक है? Now we come to the next. That is extent of this. ठीक है, मतलब उसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ पर आगे कि अब आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम जो हमने पढ़ा था कल, ठीक है, जो हमको माइक्रोस्ट्रक्चर्स कुछ मिलेंगे तो माइक्रोस्ट्रक्चर किस तरह से मिलेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपके सामने जो दो डायग्राम बनाए हैं, तो दो डायग्राम में एक में क्या है, इक्विलिब्रियम कूलिंग है और एक में क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग. ठीक है, अच्छा, इक्विलिब्रियम कूलिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, नॉन इक्विलिब्रियम का उसका उल्टा हो जाएगा. ठीक है, इक्विलिब्रियम कूलिंग का मतलब क्या है कि गिविंग इनफ टाइम For this to redistributed throughout the volume of the particular phase. इसका मतलब ये हो गया कि आप उसको redistribute होने के लिए एक sufficient time देते हो, then we called as equilibrium cooling. ठीक है, मतलब आपने क्या किया, slow cooling किया. Are you getting this? ठीक है, तो उस process को हम क्या बोलेंगे, equilibrium cooling. Are we can say इन अनदर वर्ड्स, इसी का उल्टा यदि हम बोले तो क्या बोलेंगे कि नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने जो कूलिंग दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो टाइम है, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो टाइम है, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन का टाइम सफिशिएंट नहीं दिया. आई मीन टू से कि आपने जो कूलिंग किया वो कैसा किया, फास्ट कूलिंग. इन दैट केस देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस डायग्राम. तो इक्विलिब्रियम कूलिंग का मतलब आपको समझ में आया कि आपने क्या दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन. रीडिस्ट्रीब्यूशन किसका, एक फेज से दूसरे फेज को मिलने का. ठीक है, मतलब एक कंपोनेंट को दूसरे से मिलने की के लिए सफिशिएंट टाइम दिया तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कूलिंग. और यदि आपने फास्ट कर दिया तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग. ठीक है, अब मैंने क्या किया, किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पर, जैसे हमने कल समझा था कि 100% ए है, 0% बी है, और यहाँ पर 0% ए है, 100% बी है. ठीक है, तो ये हमने समझ लिया था. फिर उसी को मैं आगे एक एक्सटेंड पर लेकर जा रहा हूँ. तो मैंने क्या किया, कोई भी कंपोजिशन लिया. ठीक है, अब उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर, लेट्स से कि मैंने कोई कंपोजिशन मान लो कि यहाँ पर मेरा 40% ए है, 60% बी है. ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया. ठीक है, तो यदि मैं इस पर्टिकुलर रीजन की बात करूं तो मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, ये मेरा कौन सा रीजन है, लिक्विड रीजन, और ये मेरा लिक्विड प्लस सॉलिड रीजन, और ये मेरा पूरा सॉलिड रीजन. ठीक है, ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं. फिर हम बात करते हैं कि भाई ये मेरी लाइन क्या कहलाती है, लिक्विडस लाइन कहलाती है, और ये मेरी लाइन क्या कहलाती है, सॉलिडस लाइन. ठीक है, आगे समझो. अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और मैं बोलता हूँ कि ए पॉइंट पर इसका जो भी कंपोजिशन होगा या जो भी मुझे इसका फेज या माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि इस फेज में तो पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या है, लिक्विड है, तो इस फेज में हमको क्या मिलेगा, लिक्विड. ठीक है, अब हम जैसे ही इस लिक्विडस लाइन के करीब पहुंचते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम उस लिक्विडस लाइन के करीब पहुंचते हैं, मतलब अब कुछ अमाउंट में या कुछ लिक्विड किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट वो करता है. ठीक है, तो जैसे ही यदि हम बोले कि सॉलिड विच ग्रोज इन द मोल्टन मेटल, ठीक है, मतलब सॉलिड जो था अब वो सॉलिड क्या हो गया, ग्रो करने लग गया. इसमें ये मोल्टन मेटल मतलब लिक्विड की बात कर, अपन यहाँ मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो मोल्टन स्टेट में थे दोनों, लेकिन इस पर्टिकुलर बी पॉइंट पर जैसे ही वो लिक्विडस लाइन पर आएगा तो सम अमाउंट ऑफ मोल्टन मेटल इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड फेज. मतलब जब हम बोले, जैसे आप लोगों ने आइस के केस में बात करें, तो आइस के केस में क्या होता है कि वाटर कूल्ड होना स्टार्ट करता है, तो उस केस में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो उसके क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट होते हैं. ठीक है, तो उसी को मैं यहाँ पर एक नया नाम दे रहा हूँ, उस नए नाम को मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज डेंड्राइट्स. ठीक है, वो डेंड्राइट्स क्या होते हैं ये समझ लो कि सॉलिड विच ग्रोज इन द मोल्टन मेटल. ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि रेंडमली ग्रोइंग सॉलिड फेज इन मोल्टन मेटल. ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट में क्या मिलेगा, लिक्विड भी रहेगा, और कुछ अमाउंट में यहाँ पर क्या दूसरा कुछ कंपोनेंट जिसको मैं अल्फा फेज बोलता हूँ, तो अल्फा फेज भी फॉर्म होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा. रिपीटिंग दिस, तो ये जो मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज अल्फा फेजेस.
ठीक है, मतलब ये कुछ इसके न्यूक्लियस या ग्रीन बाउंड्री बनना सॉरी डेंड्राइट बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिक्सचर है दैट इज लिक्विड प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये मिक्सचर क्या हो गया, लिक्विड प्लस अल्फा का, क्लियर है। अब जैसे ही मैं नीचे आता हूँ, अल्फा मतलब क्या, अल्फा आपका सॉलिड फेज हो गया। ठीक है, और सॉलिड बिल्कुल स्टार्ट हुआ है बनना। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे, बिल्कुल एकदम स्टार्ट हुआ तो उस केस में क्या, क्लियर है। अब आगे इसको हम और समझे तो भाई आप बोलोगे कि सर अब सी फेज की बात करें तो सी फेज में भी क्या होगा, होगा यही, लेकिन लिक्विड की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कम। लेकिन जो डेंड्राइट्स है या जो इसका सॉलिड फेज है, तो सॉलिड फेज की क्वांटिटी क्या होगी, ग्रो करने लगेगी, मतलब बढ़ने लगेगी। ठीक है, ये अल्फा फेज का कंपोजिशन बढ़ने लगेगा, और मतलब अल्फा फेज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और सॉलिड फेज लिक्विड फेज की क्वांटिटी घट जाएगी। फिर यदि मैं इस फेज की बात करूं तो अब आप बोलेंगे कि सर लिक्विड फेज तो बिल्कुल शायद होगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि सॉलिडस लाइन पर आ गए, लेकिन कुछ अमाउंट में यहाँ पर लिक्विड फेज होता है, लेकिन आपके जो अल्फा फेजेस है वो अल्फा फेजेस क्या कर जाते हैं, इस तरह से ग्रो कर जाते हैं, मतलब और मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पर इस फेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो जो दूसरे कलर से मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इट शोज द अल्फा फेजेस। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट। अब ये अल्टीमेटली क्या बन गए, देखो सबसे पहले बना न्यूक्लियस या डेंड्राइट्स, और न्यूक्लियस या डेंड्राइट्स के बाद फिर हमने क्या बना कि उसके बाद उसका अल्फा फेजेस बनने स्टार्ट हो गए, अब वो ग्रेन बनना स्टार्ट हुआ, और ग्रेन के बाद फिर वो क्या करने लगा, ग्रो करने लगा। तो ग्रो करने के बाद यहाँ पर ये ग्रेन एक दूसरे से जब मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जब एक ग्रेन दूसरे ग्रेन से मिलता है तो क्या बनाता है, ग्रेन बाउंड्री बनाता है। ठीक है, तो जब अगला फेज आपको जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से मतलब मिलेगा, और यहाँ पर बहुत सारी क्या बन जाएगी आपके पास, इस तरह की कुछ ग्रेन बाउंड्रीज बन जाएगी। तो ये वाला जो फेज है, इस वाले फेज में अल्फा फेज ही है, ठीक है, लेकिन ये सॉलिड, एक मिनट एक मिनट, और ये जो बना रहा हूं मैं दैट इज योर ग्रेन बाउंड्रीज। ठीक है, हाँ पूछिए बेटा, क्या पूछ रहे थे सर? स्क्रीन पूरी ब्लर हो रही है सर, वो दिख नहीं रहा है ठीक से। बाकी लोगों को भी ऐसा हो रहा है क्या बेटा? हाँ सर, हाँ सर, कुछ भी नहीं दिख रहा क्या सर? आप जो लिख रहे हो छोटे छोटे वर्ड्स वो नहीं दिख रहे हैं। हाँ वो ऑब्वियस है, पर यहाँ पर ये बाकी सब तो दिख रहा है ना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। देखो आपने जो लिक्विड की बात की, पॉइंट जो आपने डिनोट किया वो, अच्छा दूसरा कलर नहीं दिख रहा है ये बोल रहे हो आप? नहीं सर, वो जो डॉटेड लाइन पे आपने पॉइंट डिनोट किया वो भी ठीक से नहीं दिख रहे हैं। डॉट, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है। ठीक है ना, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, मैंने लाइट भी चल में इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि उसकी वजह से कोई रिफ्लेक्शन आता है। अब बोलो तो मैं लाइट चालू कर देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, पर उसकी वजह से रिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, चलो तो कोशिश करो समझने की, या मैं लाइट चालू कर देता हूँ, ठीक है, दो मिनट। चलो आप सही है बेटा? हेलो, आप ठीक है? नो सर, अभी भी क्लियर नहीं है। फिर क्या करूं मैं, क्योंकि लाइट चालू कर दिया मैंने, ठीक है, इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब बता, अब क्या दिख रहा है? अभी मुझे तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे तो मुझे सही दिख रहा है। सर दिख तो रहा है पर वो ब्लर, देखो बताओ अच्छा ये डायग्राम बहुत ज्यादा हॉचपॉच हो गया, ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं सर, डायग्राम से ही दिख रहा है, बाकी जो लिखा है वो भी पूरा ब्लर दिख रहा है, तो पढ़ते भी नहीं बन रहा है।
अच्छा ऐसा, हाँ तो अभी उसको समझो, देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लो ठीक है, अभी देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम से उधर की तरफ लेने की कोशिश करूंगा, देखते हैं ठीक है ना, अभी आज के लिए देख करके देखो, ये तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका और कुछ अरेंजमेंट करूंगा दूसरी तरह से ठीक है। चलो तो अभी ये मेरा लिक्विड फेज है इधर, ये मेरा सॉलिड फेज है, कल तो हमने पढ़ ही लिया था ये लिक्विड प्लस सॉलिड फेज है ठीक है। उसके बाद जैसे ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पर तो पूरा क्या है लिक्विड है, तो ये मैंने लिक्विड को ही शो किया है, जैसे ही वो बी पॉइंट पर आता है, बी पॉइंट मतलब कौन सी लाइन, इस लिक्विडस लाइन पर आता है, तो यहाँ पर कुछ डेंड्राइट्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो लिक्विड प्लस अल्फा। उसके बाद यदि मैं सी की बात करूं तो यहाँ पर लिक्विड, अब ये जो अल्फा फेज है वो क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है ठीक है, तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी और अमाउंट मतलब बढ़ जाता है और ये ग्रो भी करता है ठीक है। तो यहाँ पर यह इसकी बात करें, इस डी फेज की बात करें तो हमने क्या किया, बोला कि कुछ अमाउंट में ठीक है ना, मतलब आप बोल सकते हो 10% या उससे भी कम, या क्या है लिक्विड है, बाकी का पूरा क्या बन गया, ग्रेन्स बन गया, फिर ग्रेन्स एक दूसरे से ग्रो करने लग गए, और ग्रेन्स ग्रो करने के बाद एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या बनते हैं, हमने समझा था कि जब ग्रेन एक दूसरे से मिल रहे हैं तो क्या बनाते हैं, ग्रेन बाउंड्रीज, तो ये जो बन गई है ये क्या है आपकी, ग्रेन बाउंड्री है, क्लियर है ठीक है। तो ये आपका फेस तो अल्फा ही है, पर ये जो बनता है वो फेस उस बाउंड्रीज को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेन बाउंड्रीज बोल रहे हैं ठीक है। अभी एक इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं और आपको और क्लियर हो जाएगा ठीक है, मैं उसको थोड़ा और इलाबोरेट करने की कोशिश करूंगा। तो एज यूजुअल मेरा यहाँ पर जो फेज है वो फेज तो मेरा क्या है, लिक्विड फेज ही है ठीक है, जो फर्स्ट फेज अपना था तो ये तो मेरा लिक्विड फेज ही है ठीक है, लेकिन ये मेरा लिक्विड प्लस सॉलिड है और ये मेरा एज यूजुअल सॉलिड फेज है। तो इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडस लाइन, ये हमारी लाइन को हम क्या बोलते हैं, सॉलिडस लाइन ठीक है। अब समझो आगे, तो एज यूजुअल यहाँ पर तो आपका लिक्विड ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ठीक है, लेकिन जब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग कर रहा हूँ, तो नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग के केस में यहाँ पर जिस तरह से ग्रेन फॉर्म हो रहा था ठीक है, तो ग्रेन फॉर्म यहाँ पर भी होगा, लेकिन फास्ट कूलिंग की वजह से यहाँ पर के ग्रेन्स फॉर्म होंगे, इस तरह के ग्रेन्स मतलब यहाँ पर ये जो था इसको मैंने क्या बोला था, अल्फा, लेकिन अल्फा एंड अगेन जो अंदर की तरफ एक और फेज बना हुआ है ठीक है, मतलब आप ऐसा समझो कि ये एक फेज है और इस फेज के अंदर एक और नया फेज है ठीक है, ऐसा समझ लो। तो ये वाले फेज को मैं अल्फा नाम दे रहा हूँ, तो अंदर वाले को अल्फा वन डैश ठीक है, या फिर अल्फा वन, फिर यदि और ग्रो करेगा, यदि और फास्ट कूलिंग करते हैं तो ऐसा बनेगा, ये एक फेज होगा अल्फा, लेट से कि यहाँ पर ऐसा तरह से ठीक है, तो ये मेरा अल्फा वन, तो ये अल्फा, इसके अंदर वाला अल्फा टू हो जाएगा ठीक है। मतलब आपको जो भी फेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मतलब नॉन इक्विलिब्रियम फेज मिलेगा, मतलब इसका कि ये अल्फा के जैसे और ग्रेन ग्रेन्स इसके अंदर भी होंगे और इसके अंदर भी होंगे ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, फास्ट कूलिंग कर रहे हैं ठीक है, या नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग कर रहे हैं, इन दैट केस हमको इस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर या माइक्रो स्ट्रक्चर मिलेगा। रिगार्डिंग दिस तो अभी और समझ जाऊंगा ठीक है। तो देखो यहाँ पर यदि मैं और बात करूँ तो ये ग्रेन्स मैंने तीन ही ग्रेन बनाए, ऐसे बहुत सारे ग्रेन होंगे, तो ये भी क्या करेगा, ग्रो करेगा, ये भी क्या करेगा, ग्रो करेगा, ये भी क्या करेगा, ग्रो करेगा, मतलब इसके साथ दूसरे नए फेजेस भी बनना स्टार्ट होंगे। इसके बाद यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर भी इस तरह का फेज मिलेगा ठीक है, इसके अंदर भी एक नए फेजेस मिलेंगे ठीक है, इसके अंदर और नए फेजेस मिलेंगे, तो अल्फा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, इस तरह के नए फेजेस, अपन जो अलग अलग फेजेस हैं जो फास्ट कूलिंग के टाइम मुझे मिल रहे हैं, तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि फेज तो वही है अल्फा, मतलब आप यदि कोई भी दो कंपोनेंट ले रहे हो, जैसे मैंने लाइक से कि आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम किसके लिए होता है, कॉपर निकिल सिस्टम के लिए होता है, कॉपर निकिल का जो अलॉय बनते हैं वो इसी तरह के फेज डायग्राम से बनते हैं, तो ये मेरा नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग है ठीक है। तो नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग में मुझे इस तरह के फेजेस मिलते हैं, मतलब एक फेज के अंदर दूसरा और एक उसके फेज के अंदर और दूसरा, उस फेज के अंदर और दूसरा ठीक है। तो जो आपकी यहाँ पर फाइनली ग्रेन बाउंड्रीज बनेगी ठीक है, तो ग्रेन बाउंड्रीज तो एज यूजुअल जो आपकी बन रही थी वही बनेगी, लेकिन यहाँ पर
आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एक आपका अल्फा फेज है, यहाँ पर भी एक अल्फा फेज है, यहाँ पर भी एक अल्फा फेज है, लेकिन इसके अंदर अल्फा वन या अल्फा टू इस तरह के अलग अलग फेजेस भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। मतलब ये मेरा एक ग्रेन बाउंड्री हो गया, लेकिन मैं इसको जूम करके यहाँ बना रहा हूँ, ये मेरा अल्फा फेज है, ठीक है। तो इसके अंदर की तरफ यहाँ पर भी एक दूसरा फेज एग्जिस्ट करेगा, इसी तरह से ये एक नया ग्रेन है तो इसके अंदर भी मेरा एक दूसरा फेज होगा, मतलब ये पूरा एक अल्फा है, उस अल्फा के अंदर ही दूसरा एक अल्फा वन डैश बोल दो या अल्फा वन बोल दो, उसके अंदर एक और एक नया अल्फा, तो दैट इज अल्फा टू। इसी तरह से यहाँ पर भी है, तो ये जो बाहर की तरफ ग्रेन है उसको तो मैंने अल्फा बोल ही चुका हूँ, ये मेरा क्या हो गया अल्फा वन, और इसके अंदर की तरफ और क्या हो जाएगा अल्फा टू, इसी तरह से यहाँ पर भी हो, ठीक है। तो केवल डिफरेंस क्या है ये समझ में आया कि उसको जो ग्रो होने का जो टाइम है, उस ग्रो होने के टाइम को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो जिस वजह से क्या होगा वो अल्फा फेज केवल एक ही बार ग्रो होगा, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझो कि कोई एक ब्रेन था, ठीक है, इस तरह का मान लो, ठीक है, तो ये तो बना, लेकिन ये इस अंदर के जो लिक्विड स्ट्रक्चर था वो जब ग्रो करने लग गया लगा तो वो इसके इस फेज से मिल ही नहीं पाया, मतलब वो यहाँ पर ही आकर क्या हो गया, रुक गया। फिर वो अंदर वाला फेज भी अंदर की तरफ यहाँ पर ही आकर क्या हो गया, रुक गया। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि हमने जो कूलिंग की है वो कूलिंग कैसी है, फास्टर के फेजेस के माइक्रो स्ट्रक्चर मिलते हैं और यहाँ पर इस तरह के माइक्रो स्ट्रक्चर मिलते हैं। समझ में आई बात ये आपको, ठीक है। चलिए, तो यदि हमें सॉलिडिफिकेशन कूलिंग की बात करें तो हमको तो डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट डिफरेंट क्या मिल रहा है, कंपोजिशन मिल रहा है। तो जब मैं नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग की बात करूं, मतलब कैसा है, फास्ट कूलिंग, ठीक है, तो हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो फेज का डिस्ट्रीब्यूशन है या अलग एलिमेंट्स का, उसको इनफ टाइम हमने नहीं दिया, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड टू अल्फा फेज टेक्स प्लेस विद इन द कंपोजिशन इज हायर इन सॉल्यूट कंटेंट, मतलब इसके अंदर ही सॉलिड कंटेंट के अंदर ही आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर इस तरह से, मतलब एक अल्फा फेज के अंदर ही दूसरा अल्फा फेज और उस अल्फा फेज के अंदर ही दूसरा एक अल्फा फेज आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होता है, होमोजेनाइजेशन करना होता है, ठीक है। मतलब आप इसको वापस से क्या करेंगे, हीट करेंगे टू अ टेम्परेचर बिलो सॉलिडस लाइन, मतलब सॉलिडस लाइन के नीचे आप उसको क्या करते हैं, और हीट करते हैं, ठीक है। तो हीट करने पर क्या होगा कि वो पूरी तरह से जो उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं हो पाया वो प्रॉपरली हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, होमोजेनाइजेशन करते हैं, ठीक है। ये समझ आया अब आपको, कोई तो बोलो भाई। यस सर। प्रतीक कापड़े बताओ। हाँ सर। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट फेज डायग्राम पे समझते हैं। तो नेक्स्ट फेज डायग्राम क्या है उस पर हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट फेज डायग्राम जो है हमारा, अच्छा ये कॉपर निकल के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट फेज डायग्राम कौन सा था बेटा हमारा, यूटेक्टिक फेज डायग्राम कि नहीं, यही था कि दूसरा कोई सा था, बोलो। सेकेंड इज बाइनरी यूटेक्टिक फेज डायग्राम, ठीक है। अच्छा, बाइनरी यूटेक्टिक फेज डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कंप्लीट सॉलिबिलिटी इन लिक्विड फेज, ठीक है, मतलब कंप्लीटली सॉलेबल होता है किसमें, लिक्विड फेज में, ठीक है। लेकिन आप यदि दूसरे तरीके से बोलो कि आपने क्या इससे पहले क्या समझा था, कम सॉलेबल है किसमें, लिक्विड फेज में, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली इनसॉलेबल है किसमें, सॉलिड फेज में, ठीक है। या फिर मैं इसी में
इसी डायग्राम में पार्शियल यूटेक्टिक को भी कंप्लीट करता हूँ, मतलब इसी में मैं यूटेक्टिक सिस्टम और पार्शियल यूटेक्टिक सिस्टम दोनों को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पार्शियल में केवल डिफरेंस क्या आता है कि वो पार्शियली क्या होता है कि लिक्विड फेज में तो कम्प्लीटली सॉलिडिफाई होता है, लेकिन सॉलिड फेज में क्या होता है, पार्शियल सॉलिबल होता है, ठीक है। तो मैं पार्शियल सॉलिबल वाला केस ले रहा हूँ। पार्शियल सॉलिबल वाला केस लेने से क्या बेनिफिट होगा कि हम यूटेक्टिक को और पार्शियल यूटेक्टिक को दोनों को समझ लेंगे, ठीक है। क्योंकि यूटेक्टिक उसमें भी मैं यूटेक्टिक को समझाऊंगा, फिर यूटेक्टिक से पार्शियल यूटेक्टिक को भी समझ लेंगे, ठीक है। तो दोनों केसेस, दोनों डायग्राम अपने साथ में कवर हो जाएंगे, क्लियर है। तो मैं पहले बात तो क्या बोल रहा हूँ, कंप्लीटली सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट या लिक्विड फेज एंड पार्शियल बोलो, ठीक है। तो पार्शियल सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड फेज, ठीक है। तो जब भी आपसे वो क्वेश्चन अराइज हो कि भाई बाइनरी यूटिक टिक फेज डायग्राम की बात करें, तो आप ये बोल सकते हैं, या फिर यदि हम केवल पार्शियल यूटेक्टिक ना बोलते हुए आप ऐसा बोल सकते हो कि इनकम्प्लीट सॉलिबिलिटी इन सॉलिड फेज, तो फिर क्या हो जाएगा, केवल यूटेक्टिक फेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं इस डायग्राम को समझाता हूँ कि भाई ये डायग्राम है क्या, ठीक है। पहले इस डायग्राम को हम ड्रॉ कर लें। अब ये जो डायग्राम है इट इज यूजफुल फॉर द पीबीएसएन, ठीक है। पीबीएसएन मतलब लेड और टीन, ठीक है, उसके लिए यूजफुल होता है। अच्छा, तो हमारा जो डायग्राम इज यूजुअल ही हम बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था, ठीक है। लेकिन इसमें चेंज है, चेंज क्या है वो समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 100% मेरा पीवी है। आपको पीवी नहीं लिखना तो आप ए भी लिख सकते हो, ठीक है। मान लो आप भूल गए कि पीवी किस में लिखना था या किस में, तो आप 100% ए और बी भी लिख सकते हो, ठीक है। और 0% एस एन, और इधर की तरफ आपका हो जाएगा 100% ऑफ एस एन एंड 0% ऑफ पीवी, क्लियर है। अब एज यूजुअल मेरा जो कंपोजिशन मैंने कल जो दिया था वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो वही हो जाएगा आपका कि 90% पीबी, 10% एसएन, ठीक है। इसी तरह से यदि मैं बोलूं तो अब मैं बार बार इसको ना लिखते हुए आप चाहो तो 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और 0, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझो, तो इधर मेरा क्या होता है, ये तो मेरा कंपोजिशन हो गया, और y एक्सिस पर क्या आता है मेरा टेम्परेचर, ठीक है ना। अब अराउंड तो यहाँ पर वही मेरे 50, अब यहाँ पर मैंने टेम्परेचर की कुछ रेंज स्पेसिफाई कर दी, ठीक है, 100, 150, 200, 300, 350, 400, ठीक है। इस तरह से अपना ये डायग्राम बनता है। अब यहाँ पर आप 183 डिग्री सेल्सियस पर आपको कहीं पर यूटेक्टिक फेज मिलता है, तो दिस लाइन इज ऑन 183 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम मैं मन से नहीं बना रहा, ठीक है, इट इज ड्रॉन बाय द एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बनाया गया है, ठीक है, है ना। अब जो आपका 60% वाला कंपोजिशन है, तो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बनाता हूँ ताकि मेरा डायग्राम जैसा है वैसा दिखे, ठीक है। और यदि मैं पीबी की बात करता हूँ, तो पीबी का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है इट इज अराउंड 327, प्योर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 327 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यह क्या, ठीक है। उसके बाद यदि मैं एसएन की बात करता हूँ, तो एसएन का जो
मेल्टिंग पॉइंट होता है ये पीबी से कम होता है, तो ये कुछ 1 मिनट और इसको थोड़ा सा आगे कर बनाते हैं, सही बनेगा कुछ नहीं, ठीक है, मतलब सही दिखेगा, बनेगा तो सही। ठीक है, तो ये अराउंड 270 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, ठीक है, तो ये आपका 10 और ये 100 हो गया, ठीक है। तो यदि मैं केवल इतना डायग्राम बनाता हूँ तो इट इज फॉर द यूटेक्टिक फेज डायग्राम, ठीक है, मतलब ये मेरे लिए यूटेक्टिक हो जाएगा। तो इस केस में आप क्या बोल लोगे, लिक्विड, ये भी आपका लिक्विड प्लस सॉलिड हो गया, ये भी आपका लिक्विड प्लस सॉलिड हो गया, और ये भी आपका लिक्विड प्लस सॉलिड हो गया, सॉरी सॉलिड फेज हो गया। तो यदि मैं केवल यूटेक्टिक फेज डायग्राम बनाऊंगा तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने पार्शियल यूटेक्टिक फेज डायग्राम ले लिया ताकि मैं दोनों एक साथ कंप्लीट कर सकूं, ठीक है। तो अराउंड 19.2% ऑफ दिस SN, तो यहां पर कहीं आपका एक पॉइंट आएगा और यहां से आपका फेज डायग्राम कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर आपका फेज डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका फेज डायग्राम हो गया जो कि बाइनरी फेज पार्शियल यूटेक्टिक सिस्टम के लिए, ठीक है। अच्छा, ये प्रखर परसाई में आपकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा बेटा, ठीक है, बोल दो इसको। चलिए, तो समझो कैसे बनेगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिक्विड प्लस सॉलिड ना बोलते हुए, क्योंकि पार्शियल ले रहा हूं, तो लिक्विड प्लस अल्फा एंड इट इज लिक्विड प्लस बीटा, ठीक है। अच्छा, लिक्विड प्लस अल्फा और लिक्विड प्लस बीटा मैंने क्यों लिया, क्योंकि इस पॉइंट के बाद, तो ये पॉइंट आपका कहलाता है यूटेक्टिक पॉइंट। अच्छा, यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है ये भी नहीं समझा, आपको बता रहा हूँ दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पूरा फेज आपका अल्फा है, तो ये वाला पूरा फेज आपका अल्फा है और ये वाला पूरा फेज ये वाला, ठीक है, ये वाला पूरा फेज आपका बीटा है। हाँ बेटा बोलिए। अरे वाह, आवाज कट रही थी इसलिए सर वो कौन है? लिख दी थी हमने। हाँ, कौन बोल रहे हैं? सर प्रखर बोल रहे हैं सर, वो आवाज कट रही थी। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी लेक्चर अटेंड करो, है ना। तो ये आपका लिक्विड लिक्विड प्लस अल्फा लिक्विड प्लस बीटा, ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई बेटा। तो ये जो होता है फेज, ये अराउंड 97.5% की बात कर रहे हैं, 97.5% किसका SN का हो जाएगा, और ये जो होता है रिटेंस 19.2% किसका SN का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जैसा हमने वहां पर समझा था कि भाई स्लो कूलिंग, या मतलब स्लो कूलिंग मतलब इक्विलिब्रियम डायग्राम के लिए, और फास्ट कूलिंग होगा हमारा नॉन इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो अलॉयज लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, उससे पहले आप ये समझ लो कि यूटेक्टिक का मतलब क्या। तो यूटेक्टिक का मतलब ये हो गया कि यूटेक्टिक इज अ कंपोजिशन ऑफ अलॉय हैविंग लीस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये लीस्ट वाला जो पॉइंट है, दैट इज 61.9%, ठीक है। मैं PBSN के केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना होता है 61.9%, ये बात समझ में आ गई बेटा आपको कि ये यूटेक्टिक पॉइंट का मतलब क्या। यदि आपसे कोई भी या कभी भी आपको ये दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो तो यूटेक्टिक का मतलब क्या, यूटेक्टिक का मतलब वो कंपोजिशन किसका, अलॉय का, जहां पर आपको क्या मिलता है, लीस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर मिलता है। आप देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, देखो इस लाइन के ऊपर ऊपर, तो आपको यदि बात करूं तो क्या है, लिक्विड फेज है। इसके नीचे जैसे ही मैं आया तो ये आपका ऑब्वियस है कि ये वाला लाइन आपका क्या कहलाएगा, आपका लिक्विडस लाइन कहलाएगा, और ये वाला लाइन आपका क्या कहलाएगा, लिक्विडस लाइन कहलाएगा। उसके नीचे की यदि हम बात करें तो नीचे हमारा वापस से क्या हो जाएगा, हमारा सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सॉल्वस,
ठीक है, ये हमारा सॉल्वर है, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर मैं यदि अलॉय दो अलॉय ले रहा हूँ, अब दो अलॉय जैसे मैंने पहले प्रीवियस केस में बताया, क्या बताया आपको, ये अलॉय कौन सा 61.9% क्या है SN है और बाकी का क्या है PV है, क्लियर है। और एक और अलॉय ले रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो इधर भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज माय अलॉय वन, अलॉय वन मतलब ये कंपोजिशन लिया जहां पर मुझे फेजेस देखना है अलग अलग कि कैसे मुझे क्रिस्टल स्ट्रक्चर और मैक्रो स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। एंड दिस इज माय उसके समझने के लिए हमें एडिक्वेटिंग मेथड, ठीक है। तो ये मेरा अलॉय टू हो गया, ये अलॉय टू हो गया, क्लियर है। अब समझो तो इसके ऊपर मैंने अलग अलग जैसे पॉइंट्स वहां पर मार्क किए थे, जितनी भी प्रोसेसेस है जहां पर भी गेम्स थ्योरी लगाई जाती है वो सारी फाइनलिटी से सॉल्व कर लेते हैं हम अरिथमेटिक मेथड के। अगर a b c उसको किस तरीके से जस्ट ऊपर d और उसके जस्ट नीचे आपका e, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट इक्वल a हो गया, b हो गया, c हो गया, D हो गया और ये U, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं बेटा, देखो A हो गया, D हो गया, C हो गया, D इस वाली लाइन के बिल्कुल जस्ट ऊपर, और ये E हो गया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर जो माइक्रो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जो माइक्रो स्ट्रक्चर देखो मैं ड्रा कर रही हूँ, तो माइक्रो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इधर की तरफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास यदि यहाँ पर स्पेस हो तो आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस ए पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा नेट ग्रिड मिलेगा, ठीक है। पूरा का पूरा क्या मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बी की बात करूँ तो बी पर आपको क्या मिलेगा बेटा, तो वो बिल्कुल स्टार्ट होना लिक्विड जो है या जो कि ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपके डेंड्राइट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि डेंड्राइट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं सी पी पॉइंट की बात करूँ, तो यहाँ पर यदि आप माइक्रो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लिक्विड मैक्सिमम क्वांटिटी में होगा, लेकिन जो आपके डेंड्राइट्स होंगे वो बिल्कुल एकदम स्मॉल होंगे, ठीक है। मतलब इस तरह के कुछ आपको मिलेगा, बिल्कुल नेग्लेजिबल अमाउंट होंगे, ठीक है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि 92-98% तो 98% अराउंड लिक्विड है, लेकिन बाकी 2% क्या होंगे आपके बीटा फेजेस, मतलब बीटा फेजेस ना बोलते हुए आप उसको पेरिटेक्टिक भी बोल सकते, सॉरी अल्फा फेजेस, अल्फा फेजेस, ठीक है। तो इसको आप पेरिटेक्टिक बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा प्रो यूटेक्टिक, तो प्रो यूटेक्टिक का मतलब क्या होता है कि इधर की तरफ प्रो यूटेक्टिक, इधर की तरफ आप बोल सकते हो कि ये मेरा हाइपो यूटेक्टिक है, और इधर इसके आगे की बात करें तो ये मेरा क्या है, हाइपर यूटेक्टिक, क्लियर है। ठीक है, अच्छा मैं सी पॉइंट की बात करूँ तो सी पॉइंट पर भी अगेन वही इसी तरह का होगा कि भाई क्या अब आपका लिक्विड फेज क्या हो गया, कम हो जाएगा, लेकिन आपके जो भी प्रोयूटेक्टाइड फेज है वो क्या हो जाएंगे, ग्रो कर सकते, मतलब अब आप ऐसा बोल सकते हो कुछ अमाउंट में तो लिक्विड है लेकिन ये जो ग्रो कर गया, मतलब ये कुछ इस तरह के फेजेस आप चाहो तो आपके डायग्राम में आप बना सकते, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल, ठीक है। ठीक है, तो ये जो फेज है दैट इज प्रो यूटेक्टाइड अल्फा फेज बन जाता है, मतलब यहाँ पर क्वांटिटी की बात करते हैं, लिक्विड मेरा लगभग 49% हो जाता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर लिक्विड मेरा 76% होता है, और सॉलिड या प्रो यूटेक्टाइड की बात करूँ तो वो मेरा हो जाता है अराउंड 24%, बाकी का मेरा 24%। डी पॉइंट की बात करें तो इस डी पॉइंट पर आपका और क्या हो गया, लिक्विड कम हो गया और सॉलिड फेज बढ़ गया। इस पॉइंट की यदि मैं बात करूँ और यहाँ का माइक्रोस्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ तो यहाँ पर आप इसी को और ग्रो करके बना सकते हैं, मतलब इसी को और ग्रो करने का मतलब क्या हो गया, मतलब इसी जो बनाए हैं आपने प्रोयूटेक्टाइड के अल्फा फेज के स्ट्रक्चर
सी फोर क्या कर सकते हैं आप ग्रो करके बना सकते, ठीक है। अच्छा फिर यदि मैं लास्ट इस ई फेज की बात करूं तो ई फेज में फिर से एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखो यहाँ पर आपको यूटेक्टॉइड भी मिलेगा और यूटेक्टॉइड के साथ सॉरी प्रो यूटेक्टॉइड तो मिलेगा जो अल्फा फेज मैंने बात किया उसको मैं प्रो यूटेक्टॉइड बोल रहा हूँ, और उसके बाद आपको यूटेक्टिक भी मिलेगा लेकिन यूटेक्टिक कौन सा, यूटेक्टिक बीटा, ठीक है, क्योंकि ये वाले फेज में क्या है आपका अल्फा और बीटा दोनों फेजेस क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ ये वाले जो अल्फा फेजेस बनाए हैं वो अल्फा फेजेस तो एग्जिस्ट कर रहेंगे लेकिन अब आपके पास जो लिक्विड था वो पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो चुका है और वो क्या हो जाएगा मतलब इस तरह की shown by rose A11, A12 and rose 1 and rose 2. While the strategies of layer B are shown by column 1 and column 2. इस तरह के लेमिनार स्ट्रक्चर चाहिए मतलब आपको लाइंस के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो यूटेक्टॉइड बीटा जो है मतलब यहाँ पर जो बीटा फेज है वो लेमिनार स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। और ये जो प्रो यूटेक्टॉइड है वो क्या है आपका एज यूजुअल जैसे आपने अल्फा फेजेस या ग्रेन्स के फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा मैं अलॉय वन की बात करूँ तो अलॉय वन इससे ऊपर तो क्या होगा लिक्विड, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट की मैं बात करूँ इस पॉइंट को जैसे ही वो यहाँ पर क्रॉस करेगा तो वो आपको किस तरह का माइक्रो स्ट्रक्चर मिलेगा उसको यदि हम समझे तो आप यदि उसको ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा मतलब ये कुछ इस तरह के लेमिनार स्ट्रक्चर होंगे और यहाँ पर कुछ इस तरह के लेमिनार स्ट्रक्चर होंगे फिर यहाँ पर इस तरह के लेमिनार स्ट्रक्चर होंगे फिर इस तरह का लेमिनार स्ट्रक्चर होगा मतलब लेमिनार स्ट्रक्चर क्या होंगे आपके अलग अलग समझ रहे हो मतलब आपने जैसे एक लेमिनार स्ट्रक्चर इधर जा रहा है एक लेमिनार स्ट्रक्चर इसका जस्ट अपोजिट इधर जा रहा है एक लेमिनार स्ट्रक्चर इधर जा रहा है, ठीक है। इस तरह के लेमिनार स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मिलेंगे, क्लियर है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बाइनरी यूटेक्टिक फेज डायग्राम, ठीक है। ये आपको समझ में आया बेटा कि नहीं आया बाइनरी यूटेक्टिक फेज डायग्राम क्या होता है। अच्छा जैसे हमने वहां पर अप्लाई किया था क्या अप्लाई किया था कि उसको यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, ठीक है। हाँ अरे आप कुछ नहीं कर सकते उसका, चलिए ठीक है। तो आपको इस तरह का माइक्रोस्ट्रक्चर मिलता है। अच्छा आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बजाय यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो तो आपको यहाँ पर लिक्विड फिर यहाँ पर लिक्विड प्लस अल्फा और यहाँ पर अगेन सॉलिडस लाइन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ का माइक्रोस्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू दिस जैसा यहाँ मिला है उससे डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ का माइक्रोस्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू दिस डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हर एक रीजन के लिए यदि हम ड्रॉ करें तो हर एक रीजन में हमको अलग अलग फेस डायग्राम और माइक्रोस्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है। अब वो किस पर वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है कि हम कौन सा कंपोजिशन ले रहे हैं और कौन सा टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा पूरा बाइनरी यूटेक्टिक फेज डायग्राम। अच्छा बाइनरी यूटेक्टिक फेज डायग्राम में भी आप जैसे वहां कैलकुलेट कर रहे थे कि भाई इतने कंपोजिशन है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें टाई लाइन जिसको बोला था मैंने, यहाँ पर देखिए कि कितने पे आपको लिक्विड फेज कितने पे सॉलिड फेज मिल रहा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप लिक्विड प्लस सॉलिड का या अल्फा प्लस बीटा का आप रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं भाई कितना होगा, क्लियर है। तो ये आप समझ सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर लाइन पर आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो उनकी हेल्प से आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन जो आपको मिलता है जैसे ये मेरा कंपोजिशन हो गया यहाँ पर यहाँ पर हो गया कंपोजिशन यहाँ के लिए तो ये कंपोजिशन CO ये कंपोजिशन C1, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रीजन के लिए मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट का कि भाई कितने अमाउंट में मेरा लिक्विड होगा और कितने अमाउंट में मेरा सॉलिड होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार आप बुक में रेफर करिएगा, ठीक है। और यदि फिर भी आपको प्रॉब्लम कुछ फेस होता है तो आप मुझे